बलियाबी चुनौती भरे लहजे में कहता है पूरी दुनिया के हुक्मरानों को, अगर तेरी हुकूमत के कलेजे में दम है क्या बात है, तो अपनी हुकूमत का कोई फैसला किसी जानवरों से मनवा के दिखा दे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो गया, फाइनल टच, फाइनल रिपोर्ट 2020 में आ चुकी। वो फाइनल रिपोर्ट क्या आई, मैं अपने उलमा के तवस्सुत से अपनी कौम के लोगों तक पहुंचाने की सआदत हासिल करूं। रिपोर्ट ही आई, अमेरिका ने डॉलर के दरवाजे खोल दिए। बहुत बहुत सेंसिटिव हिस्सा मैं पेश कर रहा हूं, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा। रिपोर्ट ये आई कि हर साल अमेरिका ने लाखों करोड़ डॉलर खर्च किया, क्रिश्चियनिटीज बढ़े, सलीब बढ़े, यहूदियत बढ़े, नसरानियत का फरोग हो। बलिया भी कहता मेरे मदरसों के पीछे सनके और पागल बुलडोजर लेकर घूमने वालों, आखिर तुझे मुसलमानों के मदरसों की बनाई हुई इमारतों से डर क्यों लगता है? अहले 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 शऊर की तवज्जो का तालिब हो। बलियाबी जब पूरे मुल्क में डंके की चोट पर कहता है कि ये इस्लाम है, बदला नहीं लेता है, शायद ये जुमला उतर जाए दिल दिमाग में, इस्लाम है बदला नहीं लेता, मकान टूटा है बदला नहीं लिया है, घर फूका है बदला नहीं लिया, बेटों की मॉब लिंचिंग हुई है बदला नहीं लिया, जमीनों पर झंडा और पत्थर रखकर कब्जा हुआ है बदला नहीं लिया। लेकिन बलियाबी कहता है अकल के टुवरों, इसका मतलब यह नहीं कि हम बेजान गोश्त के लोथड़ा बचे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे वजूद की रूह खत्म हो चुकी है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे जहनो दिमाग में दर्द नहीं है। हां ठीक है, वक्त है, हम उस पैगंबर की उम्मत और आशिक हैं कि मुस्तफा वाला बदला नहीं लेता, वक्त आता है तो बदल जरूर दिया करता है। हम बदला नहीं लेते, बदल देते हैं, बदला नहीं लेते बदल देते हैं। अब आप कहो कि बलियाबी इतनी बड़ी बात, तारीख बताओ, तो अमेरिका की तारीख नहीं इसी भारत की तारीख है। सारे राजवाड़े लग गए बदला लेने के लिए मेरे ख्वाजा से, लेकिन मेरे मोइनुद्दीन ने बदला नहीं लिया, बदल दिया। मेरे मोइनुद्दीन ने बदला नहीं लिया, बदल दिया। इसलिए बदला तो कायर लेते हैं, बदला तो कायर लेते हैं। मुस्तफा का गुलाम न बदला लेता है न कायर है। अब सवाल यह है कि बदला कैसे, बदल कैसे दिया, बदल कैसे दिया। इसकी तरफ बलियाबी की गुफ्तगु जाए। आज सिरिसखेड़ा के नौजवानों से मैं दो तीन बात अर्ज करके अपने सीने का बोझ हल्का करना चाहूंगा, क्योंकि मोहब्बेग्रामी जनाबे कारी मुशाहिद साहब से कुछ ऐसे रिश्ते रहे
और वैसे भी बलियावी जलसे और तकरीरों के लिए न जिंदा रहता है न जिंदा रहेगा। इस काम के लिए मेरी जमात में मुझसे एक से एक आफताबो महताब पैदा हो चुके हैं। अब जुनून यह है कि दो काम कर लो, दो काम कर लो। उलमा अपने हिस्से का काम कर ले, नौजवान अपने हिस्से का काम कर ले, इस्लाम का एक चक्का आलिम बन जाए, एक चक्का नौजवान बन जाए और पैसे वाले सरमायादार बीच की चैन बन जाए, तो हर बाबा की गाड़ी रुक सकती है, इस्लाम की गाड़ी कभी नहीं रुकेगी। अब उलमाए इकराम की यहां तवज्जो चाहूं कि आखिर मदरसों से डर क्यों लगता है, डर क्यों लगता है। उससे पहले वो रिपोर्ट दे दूं, अब बलियावी की गुफ्तगू सुनो और पूरे हिंदुस्तान का नक्शा अपने दिमाग पर रखो। इंटायर केरला, इंटायर मध्य प्रदेश, झारखंड का 75%, आसाम का 80%, गोवा कंप्लीट, मिजोरम 45%, 45%, त्रिपुरा फाइनल। ये जितने पहाड़ी और जंगली इलाके हैं, क्रिश्चियनिटीज ने फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ के स्कीम चलाई, इलाके का इलाका, जंगल का जंगल, मजहब बदल दिया। तवज्जो चाहूं, बदल दिया, इलाके का इलाका बदल गया, पहाड़ का पहाड़ चेंज हो गया, स्टेट का स्टेट बदल गया। अमेरिका ने 2020 में वर्ल्ड लेवल की एक मेस कॉन्फ्रेंस की और उसने रिपोर्ट मांगा, भारत में मुसलमान गरीबी में एक नंबर पे, भारत का मुसलमान बेरोजगारी में एक नंबर पे, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, फ्री तालीम, फ्री लिबास, प्लस राशन और गल्ला देने के बावजूद भी जंगल का आदिवासी गले में सलीब लटका लिया, दलित इलाके में लोगों ने गले में सलीब बांध लिया, पुअर और ओबीसी के खित्ते में लोगों ने गले में सलीब डाल लिया। लेकिन अब्दुल्लाह का बेटा क्यों नहीं सलीब पहना, अब्दुल सत्तार का पोता क्यों नहीं सलीब पहुंचा, जकात के और फितरे के पैसों से पर रसूलुल्लाह के मेहमानों की परवरिश करने वालों, दब कर बातें मत करो, छाती ठोक कर बातें करो और हुक्मरानों को बता दो कि किसी का जमीन खरीदा जा सकता है, किसी का दीन नहीं खरीदा जा सकता। मेरे अजीज, जब यह फाइनल रिपोर्ट आई है अमेरिका के टेबल पर, तो अमेरिका के टेबल पर पूरी चारों तरफ से दहशत फैल गई। जब रिपोर्ट देने वाले ने दिया तो यही कहा, मैंने मुसलमानों के गरीब मोहल्ले में कोशिश किया था, मैंने अब्दुल्ला के बेटे को भी फ्री एडमिशन दिया था, मैंने मुसलमानों के बच्चों को भी फ्री दवा देने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही मेरे क्रिश्चियनिटीज के स्कूल में आया और जैसे ही मेरे पोप ने कहा बोलो ईसा रूहुल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, वैसे ही अब्दुल्लाह का बेटा उस कतार से निकलकर बाहर हट गया और हट करके ये कहने लगा, मैं ये कभी नहीं कह सकता हूं कि ईसा रूहुल्लाह के बेटे हैं, मेरा खुदा वो है जिसकी कोई औलाद नहीं है, जो किसी का बाप नहीं। अब जहन को हाजिर कीजिए, लेकिन यहां तो मंडी में कंपटीशन चल रहा है माबूद बेचने का। अगर डरते नहीं हो तो सुन लो, डरते नहीं हो तो सुन लो,
love. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان الله صدق الله ایک کو ہٹا دیجئے نہیں مکمل ایک کو ہٹائیے بیٹھ جائے بیٹھ یہ تھوڑی سی کنٹرول کرا دیجئے اب ان لوگوں کو تو کوئی روک نہیں سکتا ہے نا صدر باوقار معزز علماء اکرام سب سے پہلے میں سرس کھڑا کے ایمان والوں کو جی جی بلیاوی سے تقریر کرانے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اب یہی ماحول رہے گا تو اب یہ بتائیں کہ کیا بلیاوی سے کچھ سننے کا موڈ ہے کتنے لوگوں کا اٹھائے رکھو یعنی اسٹیج مکمل بہشکار پہ ہے سمرتھن میں ہے تو ڈر کے کیوں ہے کھل کے رہے یا تو اس پار رہے یا اس پار رہے اب بچوں کو کوئی گفٹ نہ دیں اور گل پوشی نہ کریں بعد میں ہوگا جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے نہ گل پوشی کریں نہ گفٹ دیں بلیاوی کی آج گفتگو کا تھوڑا سا حصہ سن لو چونکہ آج کی تاریخ کے لیے بلیاوی کو کئی تاریخوں کو الٹ پلٹ کرنا پڑا ہے اور سچ یہ ہے کہ بلیاوی جلسوں کی تاریخیں اگر دے بھی دے تو اراکین کی مرضی کے حساب سے گفتگو نہیں کرتا مستقبل قوم کی نسلوں کے مستقبل کی ضرورت کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے بڑی مصیبت ہے وہ دو لڑکے ہیں جو سب کو تباہ کر رکھے ہیں ارے ان ماں بہنوں کو بولو کنارے بیٹھ جائیں یہاں کیوں کھڑی ہے چوراہے پر تو اب جتنے لوگوں کو سننا ہے ذرا میرے ساتھ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ مٹھی باندھ کر مدینے کی سرکار کو آواز دے لو میرے ساتھ صدا لگاؤ دیکھو حکومتیں بہت ہیں سرکار صرف ایک ہے بے شک کیا بات ہے سبحان اللہ اسٹیج کی اگر اسٹیج پر بولنے والے لوگ ہیں تو بول دیں گے ورنہ میں جانتا ہوں کہ جب سے عالم چپ ہوا ہے تب سے یو پی میں گنگے بولنے لگے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ اور سچ یہ ہے کہ جب جب عالم بولا ہے تب تک شہر کے گنگے تو دور کی بات عالموں کے پیچھے پیچھے پتھر بھی بولے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ اس لیے بات اگر صحیح سمجھ میں آوے تو بولیں گے
ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, चूंकि कुछ जिम्मेदार तबका मौजूद है। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतों के फैसलों को पूरा मुल्क मान ले, यह कोई गारंटी नहीं, यह कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो सरकार है मदीने की। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलोगे तो तकरीर कर दूंगा। क्या बात है, अरे धक्का ना देना पड़े, बोल दो। आशिक की तरह बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। बेशक सुभान अल्लाह, निकल लीजिए। हाँ, वरना क्लाइमेक्स पर निकात आएंगे, आप उठेंगे तो आपको भी दिक्कत, हमें भी। जहन करीब कीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि हुकूमत के फैसले को पूरा मुल्क मान ले। अगर पूरा मुल्क मान लेता तो आंदोलन की नौबत नहीं आती और किसान धरने पर नहीं बैठता। तवज्जो चाहो। अच्छा, मौलाना तनवीर साहब चले गए जी, अच्छी बात है। जहन करीब कर मेरे अजीज। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। हुकूमतें हर स्टेट में, सरकार सिर्फ एक। हुकूमतें हर इलाके में, सरकार सिर्फ एक। बलियाबी चुनौती भरे लहजे में कहता है पूरी दुनिया के हुक्मरानों को, अगर तेरी हुकूमत के कलेजे में दम है तो अपनी हुकूमत का कोई फैसला किसी जानवरों से मनवा के दिखा दे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं नहीं, काश इस गुफ्तगू का आगाज कहीं और मैं किया होता। मुझे गलतफहमी हो रही है कि मैं सदर लफाजिल की मिट्टी पे बोल रहा हूँ या कहीं और बोल रहा हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। इसलिए कि पूरे भारत की तारीख रही है मुरादाबाद की। मुरादाबाद के ईमान वालों के हाथों की कारीगरी की धमक पूरी दुनिया में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं। जिस लोहे पर हाथ रख दे डिजाइन बना दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिस शीशे पर हाथ रख दे डंडा बना दे। सुभान अल्लाह। लेकिन यह भी क्या गजब की बात है कि जिस लोहे पर हाथ रख दे सुरेश भी बना दे, महेश भी बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन रखता नहीं है। सुभान अल्लाह। मुरादाबाद की पूरी दुनिया में दो धमक, एक हाथ के हुनर की। सुभान अल्लाह। एक हाथ के हुनर की। उफ, उफ। अब वो जब तक हटेगा नहीं मेरे दिमाग में वायरस रहेगा, चूंकि रटी हुई तकरीर मेरे पास होती नहीं है। लोग जान गए कि तुम आ गए हो। बस जहन करीब कीजिएगा, मैं क्या कह रहा था कोई याद दिला दे। मैं मुरादाबाद की बात कर रहा हूं, मुरादाबाद वाले इतने चुप होकर सुन रहे हैं। बोल दो मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है कि कौन सी रग पर हाथ रखूंगा तो पूरा मजमा ललकार के नारा लगाएगा। क्या बात है। लेकिन आज बलियावी नारे वाली गुफ्तगू नहीं कर रहा है, तेरे अंदर की सही तस्वीर आईने के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। तुम्हें क्या कह रहा था, मुरादाबाद की दो खूबी, एक हाथ के धमक की
और एक आला हजरत के रूहानी बेटे सदरुल्ला फाजिल के इल्म की। आहा, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, तवज्जो चाहूं। और इन्हीं दोनों ने मुरादाबाद को पूरी दुनिया में मशहूर किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वरना मुरादाबाद वालों, आज से 35 साल पहले भी बलियावी ने तेरे जिले का गांव भी देखा है, जंगल भी देखा है, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुझे फख्र है अहले सुन्नत के उन जवानों पर और ईमान वालों के सदके और जकात के सिक्कों पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गरीबी हटाने के लिए मुस्तफा के गुलामों ने हुकूमतों से योजना नहीं मांगी। क्या बात है, बहुत अच्छा। तवज्जो चाहूं, अगर समझदार लोग बैठे हो तो सुन लो आज। क्या बात है, अपनी मुफलिसी और गरीबी दूर करने के लिए मुस्तफा के गुलामों ने, क्या बात है, सुभान अल्लाह, किसी हुक्मरान से स्पेशल पैकेज नहीं मांगा, ईमान मजबूत रखा। तुम मुस्तफा के दीन के लिए खर्च करो, खुदा तुझे इतना अता करेगा कि संभाल ना सकोगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे याद है कि 35 साल पहले जब मैं फतेहपुर डिंगर गया था तो बैलगाड़ी से सफर किया था। मेरे अजीज, ये इन मेहमानाने मुस्तफा के कदमों की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह, ये गांव गांव जो रसूलुल्लाह के मेहमानों की बारात सजा रहे हो, आहा सुभान अल्लाह, तो तुम तसव्वुर भी नहीं कर पा रहे हो, आहा, कि खेत का साइज वही है, बरकतें आ कहां से रही है। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नौकरी सर्विस में इस तरह अलग से तुझको पैकेज मिला नहीं, फिर गाड़ियां खरीद कहां से रहे हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे तुमने कोई नई फैक्ट्री कर कारखाने लगाए नहीं, क्या बात है, सुभान अल्लाह, फिर भी तेरे मकानों के छप्पर बदल के छत खड़े हो गए। क्या बात, यो हो कैसे रहा। इसलिए सिर इस खड़ा के जामिया रज़विया ज़ीनतुल उलूम के अराकीन का, नौजवानों का, और जिनके खूने जिगर की कमाई के सिक्कों से याका करीम के दीन का गुलशन जो लहलहा रहा है, सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपने मुअज्जज मोहतरम काबिल कद्र काबिल सद इफ्तिखार असातिज़ा इकराम का, जिन्होंने खूने जिगर पिलाकर ये बारात तैयार की है। अब बलियावी यहां रुक के एक बात अर्ज कर दे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती लियाकत साहब की, बड़ी तहकीकी और मियारी गुफ्तगू समाप्त कर रहे थे। बलियावी की गुफ्तगू सुनिए भी, और ये जो सामने अमामा एक कलर के अमामा और फूल माला से लदे हुए बैठे हैं, इनको देख लीजिए और बलियावी से सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। जी जी जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब सैफ रजा जैसी ना आवाज है ना रंग है, लेकिन ये गलत, इस गलत फहमी में मत रहना सैफ कि तुम गोरे हो तो कीमत है। क्या बात है, क्या बात, ढेर अंग्रेज पागल डिक्लियर है इंडिया में, तुम इसलिए खूबसूरत हो कि तुम मेरे मुस्तफा की नात पढ़ते हो। आए, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे साथ सदा लगाओ, यही तो है मदीने की सरकार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, पाएक या रसूल अल्लाह। भाई मुरादाबाद की, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, मुरादाबाद की आबरू पर बट्टा मत लगाओ। हिंदुस्तान बहुत पहले बोलता है, मुरादाबाद बाद में बोलता है, लेकिन बोलता है तो फाइनल बोलता है।
क्या बात है। इसलिए मेरे साथ बोलो, और बोलो तो इस रंग में बोलो कि आवाज गूंजे तो सिर्फ यही सिमट के न रह जाए। क्या बात, हवाओं की दोष पर सवार होकर गुंबदे खजरा के करीब पहुंचे। क्या बात, इसलिए सदा लगाओ मदीने की सरकार को, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ी आवाज और बुलंद करो, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब इन्हें देखें और उलमा के हवाले से सिर्फ एक शेर, जमीन जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। अगर शेर समझते हैं तो तरन्नुम समझने वालों के बस का ये नहीं है। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं, फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। अरे क्या बात है, नारे तकबीर। आप माइक दे दो दूसरे को, बस इत्मीनान से बैठकर हमें देखते रहो। फजा में आयतें महक रही है, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे। अब जहन को यहीं रोक लो, बलियावी की गुफ्तगु शुरू हो जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च हो गया, फाइनल टच फाइनल रिपोर्ट 2020 में आ चुकी। वो फाइनल रिपोर्ट क्या आई, मैं अपने उलमा के तवस्सुत से अपनी कौम के लोगों तक पहुंचाने की सआदत हासिल करूं। रिपोर्ट ही आई, अमेरिका ने डॉलर के दरवाजे खोल दिए। बहुत बहुत सेंसिटिव हिस्सा मैं पेश कर रहा हूं, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा। रिपोर्ट यह आई कि हर साल अमेरिका ने लाखों करोड़ डॉलर खर्च किया, क्रिश्चियनिटीज बढ़े, सलीब बढ़े, यहूदियत बढ़े, नसरानियत का फरोग हो। बलियाबी कहता, मेरे मदरसों के पीछे सनके और पागल बुलडोजर लेकर घूमने वालों, आखिर तुझे मुसलमानों के मदरसों की बनाई हुई इमारतों से डर क्यों लगता है? अहले 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 शऊर की तवज्जो का तालिब हो। बलियावी जब पूरे मुल्क में डंके की चोट पर कहता है कि ये इस्लाम है, बदला नहीं लेता है, शायद ये जुमला उतर जाए दिल दिमाग में, इस्लाम है बदला नहीं लेता, मकान टूटा है बदला नहीं लिया है, घर फूका है बदला नहीं लिया, बेटों की मॉब लिंचिंग हुई है बदला नहीं लिया, जमीनों पर झंडा और पत्थर रखकर कब्जा हुआ है बदला नहीं लिया,
लेकिन बलियाबी कहता है अकल के टूअर हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेजान गोश्त के लोथड़ा बचे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे वजूद की रूह खत्म हो चुकी है। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे जहनो दिमाग में दर्द नहीं है। हां ठीक है, वक्त है, हम उस पैगंबर की उम्मत और आशिक हैं कि मुस्तफा वाला बदला नहीं लेता, वक्त आता है तो बदल जरूर दिया करता। हम बदला नहीं लेते, बदल देते हैं। बदला नहीं लेते, बदल देते हैं। अब आप कहोगे बलियाबी इतनी बड़ी बात, तारीख बताओ, तो अमेरिका की तारीख नहीं, इसी भारत की तारीख है। सारे राजवाड़े लग गए बदला लेने के लिए मेरे ख्वाजा से, लेकिन मेरे मोइनुद्दीन ने बदला नहीं लिया, बदल दिया। मेरे मोइनुद्दीन ने बदला नहीं लिया, बदल दिया। इसलिए बदला तो कायर लेते हैं, बदला तो कायर लेते हैं। मुस्तफा का गुलाम न बदला लेता है न कायर है। अब सवाल यह है कि बदला कैसे है? बदल कैसे दिया, बदल कैसे दिया? इसकी तरफ बलियावी की गुफ्तगु जाए। आज सिरिसखेड़ा के नौजवानों समेत दो तीन बात अर्ज करके अपने सीने का बोझ हल्का करना चाहूंगा, क्योंकि मोहब्बे ग्रामी जनाबे कारी मुशाहिद साहब से कुछ ऐसे रिश्ते रहे, और वैसे भी बलियावी जलसे और तकरीरों के लिए न जिंदा रहता है न जिंदा रहेगा। इस काम के लिए मेरी जमात में मुझसे एक से एक आफताबो महताब पैदा हो चुके हैं। अब जुनून यह है कि दो काम कर लो, दो काम कर लो। उलमा अपने हिस्से का काम कर ले, नौजवान अपने हिस्से का काम कर ले, इस्लाम का एक चक्का आलिम बन जाए, एक चक्का नौजवान बन जाए, और पैसे वाले सरमायादार बीच की चैन बन जाए, तो हर बाबा की गाड़ी रुक सकती है, इस्लाम की गाड़ी कभी नहीं रुकेगी। अब उलमाए इकराम की यहां तवज्जो चाहूं कि आखिर मदरसों से डर क्यों लगता है, डर क्यों लगता है? उससे पहले वो रिपोर्ट दे दूं। अब बलियावी की गुफ्तगु सुनो और पूरे हिंदुस्तान का नक्शा अपने दिमाग पर रखो। इंटायर केरला, इंटायर मध्य प्रदेश, झारखंड का 75%, आसाम का 80%, गोवा कंप्लीट, मिजोरम 45%, 45%, त्रिपुरा फाइनल। ये जितने पहाड़ी और जंगली इलाके हैं, क्रिश्चियनिटीज ने फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ के स्कीम चलाई, इलाके का इलाका, जंगल का जंगल, मजहब बदल दिया। तवज्जो चाहूं, बदल दिया, इलाके का इलाका बदल गया, पहाड़ का पहाड़ चेंज हो गया, स्टेट का स्टेट बदल गया। अमेरिका ने 2020 में वर्ल्ड लेवल की एक मेज कॉन्फ्रेंस की और उसने रिपोर्ट मांगा, भारत में मुसलमान गरीबी में एक नंबर पे, भारत का मुसलमान बेरोजगारी में एक नंबर पे, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन,
फ्री तालीम, फ्री लिबास प्लस राशन और गल्ला देने के बावजूद भी जंगल का आदिवासी गले में सलीब लटका लिया, दलित इलाके में लोगों ने गले में सलीब बांध लिया, पुअर और ओबीसी के खित्ते में लोगों ने गले में सलीब डाल लिया, लेकिन अब्दुल्लाह का बेटा क्यों नहीं सलीब पहना, अब्दुल सत्तार का पोता क्यों नहीं सलीब पहुंचा, जकात के और फितरे के पैसों से पर रसूलुल्लाह के मेहमानों की परवरिश करने वालों, दब कर बातें मत करो, छाती ठोक कर बातें करो, और हुक्मरानों को बता दो, हुक्मरानों को बता दो कि किसी का जमीन खरीदा जा सकता है, किसी का दीन नहीं खरीदा जा सकता। मेरे अजीज, जब यह फाइनल रिपोर्ट आई है अमेरिका के टेबल पर, तो अमेरिका के टेबल पर पूरी चारों तरफ से दहशत फैल गई। जब रिपोर्ट देने वाले ने दिया तो यही कहा, मैंने मुसलमानों के गरीब मोहल्ले में कोशिश किया था, मैंने अब्दुल्ला के बेटे को भी फ्री एडमिशन दिया था, मैंने मुसलमानों के बच्चों को भी फ्री दवा देने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही मेरे क्रिश्चियनिटी के स्कूल में आया और जैसे ही मेरे पोप ने कहा बोलो ईसा रूहुल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, वैसे ही अब्दुल्लाह का बेटा उस कतार से निकलकर बाहर हट गया और हट करके ये कहने लगा, मैं ये कभी नहीं कह सकता हूं कि ईसा रूहुल्लाह के बेटे हैं, मेरा खुदा वो है जिसकी कोई औलाद नहीं है, जो किसी का बाप नहीं। अब जहन को हाजिर कीजिए, लेकिन यहां तो मंडी में कंपटीशन चल रहा है माबूद बेचने का। अगर डरते नहीं हो तो सुन लो, डरते नहीं हो तो सुन लो। बलियाबी साफ कहता है कि मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। बात समझ में आ गई? तो इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, जोर से बोल दो। अरे बोलो, रंग में बोल दो। तवज्जो चाहो, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। बनाने पर बात चली तो किसी साहब ने कहा, हजरत मौलाना मुफ्ती इकराम साहब ने कहा, बलियाबी साहब मेरे मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, जिसकी तस्वीर कहेंगे उसकी बना देगा। मैं भी सोचा यार, कंप्यूटराइज दौर में यूनिक आइटम है, जिसकी कहो उसकी बना देगा। मैंने मुफ्ती इकराम साहब से कहा कि हजरत उससे पूछिए कि क्या उसकी भी तस्वीर बना देगा जिसे किसी ने कभी देखा ना हो। काश ये गुफ्तगु में कहीं और किया होता। रवायते नहीं, निकात सुन लो, बोल दो बोल दो। बुलवाना है बलियाबी से तो जरा बोलना पड़ेगा, बोल दो। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। मैं क्या कह रहा था, क्या उसकी भी बना देगा जिसे कभी किसी ने देखा ना हो। बेशक। मौलाना इकराम ने कहा कि ये तो पूछना पड़ेगा। मैंने कहा पूछ लीजिए। जी जी। तो जैसे ही पहुंचे उस मुसव्विर आर्टिस्ट के पास कि जिसकी कभी किसी ने जिसको ना देखा हो, क्या उसकी भी बना दोगे। तो बनाने वाले ने कहा ये मुमकिन नहीं है, कुछ तो बताना पड़ेगा। सुभानअल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। जुल्फे कैसी है बताना पड़ेगा, भावे कैसी है बताना पड़ेगा, रुखसार कैसे हैं बताना पड़ेगा, आंखें कैसी हैं बताना पड़ेगा, नाक और कान कैसा है बताना पड़ेगा, आंखें कैसी है बताना पड़ेगा। जी जी। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। आदमी हो तब तो तस्वीर हो। जी जी। क्या बात है, क्या बात। नूर की तस्वीर कहां होती है। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। बोल दे यार, बोल दे। तवज्जो चाहो,
नूर की तस्वीर कहां होती है? जी जी, मेरा रब नूर है। जी बेशक, क्या बात है, क्या बात है। मेरा रब नूर है, मेरा रब नूर है। जोर से बोलो, डरो मत, मेरा रब नूर है, मेरा रब नूर है, मेरा रब नूर है। जी 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 बेशक। और मेरे रब ने महबूब क्या बात है कब बनाया? जी जी, सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत, मेरे रब ने महबूब कब बनाया? जी 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 जी, महबूब कब बनाया? कब? मेरे रब ने महबूब उस वक्त बनाया जब मिट्टी न बनी थी। जी 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 बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पानी न बना था। जी जी जी। आग न बनी थी, हवा न बनी थी। तब जी जी, तब तो बेसाइज के पैजामा वालों से पूछ लेना। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। कि जब मिट्टी बनी ही नहीं थी, बहुत अच्छे, तो महबूब में मिट्टी लगी कैसे? क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वो नूर है। जी जी, जैसे ही मैंने कहा बता दो, लाइए मौलाना अकरम साहब, मुफ्ती साहब, जरा मुसव्विर को मैं भी देख लूं। जी जी जी, आ गया। मैंने कहा कि कहां कहां बना सकते हो? बोला बलिया भी आप बोले। जी जी, कपड़े पर बना दूंगा। जी जी, पत्ते पर बना दूंगा। बेशक, जमीन पर बना दूंगा। जी, पत्थर पर बना दूंगा। बेशक, दीवारों पर बना दूंगा, लकड़ी पर बना दूंगा, क्या कागज पर बना दूंगा। बेशक। मैंने कहा तस्वीर कभी बोलेगी भी? तवज्जो चाहो, आता हूं, क्या बात, तस्वीर कभी बोलेगी भी? बोला नहीं, ये तस्वीर है, बोल दे तो बोल दू। जी जी, सुभान अल्लाह। अरे यार, जोर से लहक के बोल दो तो बोल दो। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, ये नुक्ता शायद कभी सुनने को आ जाए। जी जी जी, तवज्जो चाहूं। मैंने कहा तूने तो बता दिया, पेपर पे बना दोगे, कपड़े पर बना दोगे, कागज पर बना दोगे, पत्थर पर बना दोगे, मिट्टी पर बना दोगे। मैं चाहता हूं एक तस्वीर पानी पे बना दो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। एक तस्वीर पानी पर बना दो। आर्टिस्ट जी, मुसव्विर ने अपना कलम तोड़ दिया। सुभान अल्लाह, तोड़कर बोल पड़ा, मैं मजबूर मुसव्विर हूं। जी जी जी, मुख्तार मुसव्विर वो है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तवज्जो चाहो। जी 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 जी, क्या बात है, मुख्तार मुसव्विर जी वो है। जी जी, मैं मजबूर मुसव्विर हूं। जी जी, मैंने कहा फिर क्यों कहते, फिर क्यों कहते, फिर क्यों कहते कि तस्वीर बना दोगे? एक तस्वीर पानी पर बना दो। बोला मुमकिन नहीं। जी जी, मुमकिन नहीं, संभव नहीं। जी जी, कहीं पानी पर तस्वीर बनेगी? मैंने कहा अकल के टुवरे, तो डुप्लीकेट है। जी जी जी, क्या बात, ओरिजिनल मेरा रब मुसव्विर है। सुभान अल्लाह, बाप के वजूद का दो कतरा पानी और माँ के जिस्म का दो कतरा पानी, पानी पर पानी से क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर में जज्बा भी है, तस्वीर में इंतकाम भी है, तस्वीर में हौसला भी है, तस्वीर में सब्र भी है, तस्वीर में अज़्म भी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या इशारा है। लेकिन कौन समझाएगा? जी जी जी, अमेरिका में जब पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई तो राष्ट्रपति पूछ रहा कि अब्दुल्ला का ठेला चलाने वाले अब्दुल्ला का बेटा, जी जी, गले में सलीब लटकाया क्यों नहीं? बेशक, अब्दुल सत्तार का बेटा जी, फाके से सोते रहा, गले में सलीब टांगा क्यों नहीं? बेशक, तो जो रिपोर्ट दी गई है इंडिया के इंटेलिजेंस से,
जी जी बुग्गी है। भारत में जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे तब तक भारत के मुसलमानों का न ईमान बदला जा सकता है न इस्लाम बदला जा सकता है।